भारत के एक छोटे से राज्य बिहार जिसकी राजधानी पटना है। पटना शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली है जिसे वहाँ के लोग भूटिया हवेली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह हवेली बहुत सालों से खंडहर में पड़ी है और उसके बारे में वहाँ के आसपास के लोगों से अजीब अजीब कहानियाँ सुनी जाती हैं। और कहा जाता है कि इस हवेली में भूत रहते हैं और जो भी इस हवेली में जाता है उसके साथ कोई ना कोई बुरी घटना का सामना करना पड़ता है। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम रवि था, वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जाता और वह रवि नाम का बॉय जो भूटिया हवेली के बारे में बहुत सारी बात को जानता था और इसे देखने के लिए उत्सुक। दोस्तों, जब वे हवेली के पास पहुँचे तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि हवेली के आसपास कोई भी नहीं और पूरा हवेली सुनसान था। और तभी रवि को कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन उस हवेली के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी उस लड़का को कुछ गलत लगता है और उसको डर लग रहा था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके उस हवेली के अंदर कदम रखा। वह हवेली अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। दीवारें धूल से भरी हुई थीं और फर्श फूट फूट गया और हवेली के अंदर बहुत झोल था और हवेली में अंधेरा था और सिर्फ कुछ जगहों पर खिड़कियों से आने वाली रोशनी आ रही। रवि और उसके दोस्तों ने हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई और वे उस कमरे के पास गए और दरवाजा खोल और तभी रवि उसके दोस्त का उल्टा समय शुरू हो गया। दोस्तों, कमरे में एक बुजुर्ग महिला बैठी, उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बुदबुदा रही। रवि और उसके दोस्तों को देखकर वह चौंक गई और उसे होश आ गया। रवि और उसके दोस्त को बहुत डर लगने लगा था। दोस्तों, बुजुर्ग महिला ने रवि और उसके दोस्तों से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने कहा, हमने इस हवेली के बारे में सुना है और इसे देखने के लिए आए हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह हवेली बहुत खतरनाक है, यहाँ भूत रहते हैं। रवि और उसके दोस्तों को डर लगने लगा। वे हवेली से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वे बाहर निकलेंगे तो भूत उन्हें पकड़ लेंगे। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और हवेली में अंधेरा छा गया। रवि और उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे घबराहट में इधर उधर भागने लगे। तभी उन्हें एक भूत दिखाई दिया। भूत बहुत भयानक था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत नुकीले थे। भूत ने रवि और उसके दोस्तों को देखा और उनकी ओर दौड़ा। रवि और उसके दोस्त भूत से बचने के लिए भागने लगे। वे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। रवि और उसके दोस्त भूत के चंगुल में फंस गए थे। भूत ने रवि को पकड़ लिया और उसे उठा लिया। रवि चीखने लगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ, एक तेज रोशनी हुई और भूत गायब हो गया। रवि और उसके दोस्त सुरक्षित थे। रवि और उसके दोस्त भागकर हवेली से बाहर निकल गए। वे बहुत थक चुके थे और उन्हें बहुत डर लग रहा था। वे एक दूसरे से लिपट गए और रोने लगे। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने आज जो कुछ देखा है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रवि और उसके दोस्त उस दिन से भूटिया हवेली के बारे में कभी नहीं बात की। वे जानते थे कि यह हवेली बहुत खतरनाक है और यहाँ जाना बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा।